5000 साल पूर्व इस धरती पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्रीमद् भगवद गीता का अनमोल संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण 500 साल पहले संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से गीता में प्रस्तुत मूल भगवत भक्ति को जगाने के लिए इस भौतिक जगत में पुनः प्रकट हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की संस्कृति दुनिया के हर देश के गांव-गांव, नगर-नगर में प्रसारित होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा किया एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। कृष्ण भावनामृत की यह परंपरा और भक्तिमय सेवा आज उनके अनेकों शिष्यों के समर्पण के माध्यम से फैल रही है। उन समर्पित शिष्यों में से एक हैं श्रीला राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज। उनका जन्म 1949 की आषाढ़ शुक्ल द्वितीय श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन बिहार के कैमूर जिले के गुरुरा ग्राम में हुआ। महाराज जी का पूर्व नाम शुभ नारायण था। इन्होंने 2 वर्ष के अवस्था से हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। जब वे 5 वर्ष के थे तभी से अयोध्या, काशी, वृंदावन के अनेकों संत उनके यहाँ आते और उन्हें भजन करने का प्रोत्साहन मिलता। आध्यात्म के तरफ महाराज जी का गहरा झुकाव बचपन से ही रहा। उन्हें विभिन्न संतों से ग्रंथ अध्ययन करने का अवसर भी मिला। तभी से रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम इनके कंठ में विराजमान है। महाराज जी 5 भाई और 4 बहन थे। इनमें से शुभ नारायण और राम नगीना, जो बाद में चल के राधा रमन दास गोस्वामी महाराज के नाम से दीक्षित हुए, ये दोनों भाई दुर्गावती नदी के तट पर श्री संप्रदाय के एक संत से रोजाना अध्ययन करते। बचपन से ही महाराज मेधावी छात्र रहे। उनकी बुद्धि प्रबल थी और स्कूल की पढ़ाई मात्र एक औपचारिकता भर रही। प्रारंभ से ही इनकी रुचि आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन और वृंदावन के ऊपर ही गहरी थी। लगभग 12 से 14 वर्ष की अवस्था में उन्हें कल्याण पत्रिका के माध्यम से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई जी ने निर्देश दिया कि अगर वे सच में भक्ति समझना चाहते हैं तो वृंदावन के विशेष गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन करें। इसी संदर्भ में उन्होंने आगे और बताया कि यदि वे परम लक्ष्य पाना चाहते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत का अध्ययन अवश्य करें, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसके लिए उनको बंगला भाषा सीखने का भी सुझाव दिया। तत्पश्चात महाराज केवल 3 दिनों में बंगला भाषा सीख लिए और अध्ययन शुरू किया। जब महाप्रभु के बारे में चर्चा चलती तो भाई जी बताते कि एक सन्यासी, जो भगवान के असीम कृपा पात्र हैं, विदेशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। यह सन्यासी श्रीला प्रभुपाद ही थे। भाई जी इन्हीं को गुरु बनाने का प्रोत्साहन महाराज को दिया करते। एक दिन जब महाराज गांव के नजदीकी बाजार में गए तो चाय की दुकान पर उन्हें एक पत्रिका मिली जिसमें लिखा था कि भारतीय सन्यासी श्रील प्रभुपाद एवं उनके 200 शिष्यों की शोभा यात्रा बनारस में दशाश्वमेघ घाट से विशेश्वरगंज तक जाएगी। पत्रिका में कार्यक्रम की पूरी अनुसूची लिखी हुई थी। यह देखने के बाद महाराज उसी दिन तुरंत बनारस के लिए निकल पड़े। पहुंचे तो देखा कि कार्यक्रम चालू हो गया था। उन्होंने शोभा यात्रा में भाग लिया और उन्हें श्रीला प्रभुपाद जी का संग भी प्राप्त हुआ। इसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर वे उच्च शिक्षा के लिए सासाराम के शांति प्रसाद कॉलेज गए और तत्पश्चात काशी में प्रवास करते हुए आगे की शिक्षा ग्रहण की। गोरखपुर गीता वाटिका में अध्ययन के दौरान श्रीला प्रभुपाद का भाई जी के अतिथि के रूप में आना हुआ। वहां पर
महाराज को पुनः श्रील प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके उपरांत 1975 में वृंदावन धाम में महाराज को श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि महाराज की रुचि श्रीमद् भागवतम में प्रगाढ़ है, इसलिए श्रीमद् भागवतम ही हाथ में देते हुए उन्हें भागवत संदेश प्रचार करने का आदेश दिया। तभी से महाराज भारत एवं अन्य विभिन्न देशों में जा जा के भागवत कथा के माध्यम से प्रचार करते आ रहे हैं। 1996 में महाराज का संन्यास हुआ। महाराज ग्रंथ वितरण के साथ साथ ब्रजमंडल परिक्रमा भी कराते थे। उन्होंने अपने गांव में मदन मोहन मंदिर तथा खडीहा में श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। गांव-गांव में जाके श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाया करते। महाराज खाते सोते हर पल हर क्षण ग्रंथ अध्ययन में समय बिताते। कभी कभी भगवान की लीलाओं के ऊपर नाटक भी प्रस्तुत करते। श्रीमद् भागवत कथा महाराज जी का सबसे बड़ा दान है और आज भी इनकी कथाओं के माध्यम से हजारों लोग कृष्ण भक्ति अपना रहे हैं। महाराज कठिन से कठिन शब्दों को भी सरल भाषा में समझा देते हैं। बड़े बड़े नास्तिक, यहाँ तक कि मुस्लिम परिवार से भी कुछ भाग्यशाली व्यक्ति महाराज जी से दीक्षा लेकर शिष्यत्व स्वीकार किए हैं। सिर्फ इस्कॉन के भक्त ही नहीं बल्कि अन्य संप्रदाय के लोग भी महाराज की कथा का लाभ उठाते हैं। महाराज जी का सभी ब्रजवासियों से तथा सभी ब्रजवासियों का महाराज जी से गहरा प्रेम संबंध है। महाराज जी विशेषकर ग्राम्य लोगों का कथा द्वारा उद्धार किए हैं। ग्राम्य मतलब जिनकी मंद बुद्धि है और जो भौतिक भोगों में लिप्त हैं। अतः इनका प्रणाम मंत्र है, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिनि, नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे, हरे कृष्णा।